सारी दुनिया की खुशी से आपका दामन सजे, पूरे हो सपने सुहाने आप हमेशा साथ रहे। आप दोनों की मोहब्बत जग में एक मिसाल है, हीर रांझा से भी ज्यादा आपका ये प्यार है। गम की वो साई कभी पास ना आए, गम की वो साई कभी पास ना आए। हैप्पी एनिवर्सरी ये दिल से दुआए, हैप्पी एनिवर्सरी ये दिल से दुआए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक अमेजिंग सा टेम्पलेट, जिससे आप किसी के लिए भी वीडियो क्रिएट कर सकते हो और उसे एनिवर्सरी विश कर सकते हो सबसे अलग तरीके से। सो हे वर्डीज, आई एम पूजा एंड वेलकम टू द चैनल पूजा विद काइन मास्टर। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को एडिट करेंगे। सो ये अमेजिंग सा वीडियो हम एडिट करेंगे काइन मार्शल एप्लीकेशन के हेल्प से। सो अगर आपके पास काइन मार्शल एप्लीकेशन ऐप नहीं है तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहां से इसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हो सबसे अलग तरीके से। सो मैं अपना काइन मार्शल एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ओपन होने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है, अब आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको 1:1 की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको सेटिंग पे जाना है, इसके फेड आउट को ऑन करके एडिटिंग पे जाना और फिल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको मीडिया पे जाना और वो इमेज ऐड करनी है जिससे आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। तो टोटल आपको 17 इमेज ऐड कर लेना है। फिर आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, इसके विगनेट को ऑन कर लेना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसके स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को एडजस्ट करके फ्रेंड्स आपको इसे इक्वल कर लेना है। तो इस तरह आपको सारे इमेज के विगनेट को ऑन करके सारे इमेज के स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को इक्वल कर लेना है ताकि इमेज इधर उधर से क्रॉप ना हो। फ्रेंड्स प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जी हो गया है फ्रेंड्स। अब आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करना है, तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर आपको क्लासिक ट्रांजिशन पर जाना है और आपको जूम फैड को ले लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको सारे में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ये हो गया, अब आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी जिसे अपने वीडियो में यूज करना है। ये हो गया, अब आपको बैक आना है। अब फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, अब आपको 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर सेटिंग पे जाना है, इसके फेड आउट को ऑन करके एडिटिंग पे जाना है और फिल स्क्रीन कर लेना है, फिर आपको मीडिया पे जाना वो इमेज ऐड करनी है जिससे आप एक्सपोर्ट वीडियो के लिए ऐड किया था। ये हो गया है, फिर आपको जिस तरह आपने एक्सपोर्ट वीडियो में फर्स्ट इमेज पे क्लिक किया था, फिर उसके विगनेट को ऑन किया था और उसके स्टार्ट पोजीशन और इन पोजीशन को इक्वल किया था, सेम आपको उस तरह आपको सारे इमेज में विगनेट को ऑन कर लेना है और उसके स्टार्ट पोजीशन और इन पोजीशन को सही से एडजस्ट करके इक्वल कर देना है। फ्रेंड्स प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये हो गया है, अब आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना, तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और क्लासिक ट्रांजिशन पर जाना है और क्रॉस फेड को ले लेना है।
तो इस तरह आपको सारे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उसमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ये हो गया, अब आपको लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है और ब्लर वाली इफेक्ट को ले लेना है और इसे फुल स्क्रीन कर देना है, फिर आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। ये हो गया, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, एक टेम्पलेट ले लेना है। इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, आपने जो एक्सपोर्ट वीडियो किया था उसे ले लेना है और फिर आपको इसे यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देना है। ये हो गया, फिर आपको इस एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसकी डुप्लीकेट कर लेने हैं। फिर आपको इसे इधर लाना है और छोटा करके, फिर आपको क्रॉपिंग पे जाना है। और मार्क्स को एनेबल करके आपको हर्ट वाली शेप को ले लेना है। और फिर अब आपको इसे यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। फिर आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और इसे स्किन कर लेना है। फिर आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और क्रॉपिंग पे जाना है और इसके बाहर निकले हुए भाग को क्रॉप करके हटा देना है। फिर आपको सेकेंड एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और आपको क्रॉपिंग पे जाना है और इसके भी जो भी भाग बाहर निकले उसे भी क्रॉप करके हटा देना है। फिर आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और आपने जिसके लिए वीडियो क्रिएट किया उसके नेम को लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है, तो आपको ये वाले फॉन्ट को ले लेना है और फिर आपको इसे सही से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ये हो गया है, अब आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। फिर आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और सेकेंड नेम को लिख लेना है। फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके भी फॉन्ट को चेंज कर लेना है। अब आपको इसे सही से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ये हो गया, अब आपको इसे भी फुल वीडियो तक कर देना है। अब आपको ऑडियो पे क्लिक करना है और वीडियो में जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है टेम्पलेट के सॉन्ग को म्यूट करके। फिर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद यह आपके फाइल में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग, ये वीडियो क्रिएट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह के वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।